बाबू जगजीवन राम की धरती है, ये धरती है क्रांति की जननी। परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, और वो वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं दिया है। किसने दिया है वोट का अधिकार? गुलामी से मुक्ति के लिए, समझ रहे? लोकतंत्र बना इसलिए क्योंकि पहले राजतंत्र था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब का बच्चा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसके सर पे राजा हाथ रखेगा। तो लोकतंत्र बना इसलिए कि एक मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक महिला जिसको अबला कहा जाता है, उन तमाम लोगों को राजनीतिक शक्ति देने के लिए। और वो इसलिए कि वो रुपए पैसे वाले ना बने, वो अपने लोगों की सेवा करें, इसलिए लोकतंत्र बना। मैं माननीय काशीराम साहब को अपना आदर्श मानता हूं, और आज उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की मूवमेंट को चलाते हुए आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। यहां मंच पर हमारे दोनों प्रत्याशी हैं पीडीए के, हमारे बिहार के जननायक भाई पप्पू जी हैं, भीम आर्मी के सम्मानित जिलाध्यक्ष और नौजवान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, और नौजवान यहां खड़े हैं, क्या अपने महापुरुषों के सपने को कुचलने की जिम्मेदारी आपने ली है क्या? भाई बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, क्या आज उनके सपनों का बिहार है क्या? क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपने का बिहार है क्या? किसके सपने का बिहार है? पूंजीपतियों के सपने का। भ्रष्टाचार में बिहार नंबर वन, बलात्कार में बिहार नंबर वन, करप्शन में बिहार नंबर वन, माफियागिरी में बिहार नंबर वन। आप ये मुझे बताइए, इससे लोकतंत्र से आपको क्या मिला? इस लोकतंत्र से मुझे लग रहा है कि आपकी गुलामी कटी नहीं है, आप पे गुलामी आ गई है। क्योंकि नौजवान, जैसे मैंने कहा ना कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, समझ रहे हैं? एक मिनट, अरे तू तो नौजवान है, बाबा साहब ने पैर छूना सिखाया, थोड़े सिखा ले, बाबा साहब ने तो समानता की बात की। बैठ बैठ। तो जिधर इतिहास किधर झुकता है, जिधर जवानी चलती है, परिवर्तन समझते हैं ना, वो प्रकृति का नियम। लेकिन तुमसे झूठे वादे करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, सपने दिखाते हैं, 15-15 साल राज करते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है। मेरे लोगों के तन पे कपड़े नहीं है। मैं गया था बाढ़ वाले क्षेत्र में, उनके सर पे छत नहीं है, उनके पेट में रोटी नहीं है, उनके लिए अधिकार नहीं है, उनके उनको न्याय नहीं मिलेगा। जो बक्सर में हुआ, जो मोतिहारी में हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? कानून का राज कौन स्थापित करेगा? मुख्यमंत्री या कोई आम आदमी? मैं प्रशासन के लोग यहाँ है, अभी वो तेजी से आ रहे थे तो कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, ऐसा नहीं करते भाई। ये कल के शासक है, यही नेता है, आप देखना, कल ये नेता बनेंगे और आपको इन्हीं की सुरक्षा करनी पड़ेगी, आप देखते जाइए। ये भी कल आपका, हमारा छोटा भाई कल विधायक बनकर सदन में जाएगा, अगर हिम्मत से ये लोग लग गए। इनको सम्मान दीजिए, ये सम्मान के लिए, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, समझ रहे हैं? मौका है आप लोगों के पास, आपको तय करना है। पैसे वाले बहुत लोग हैं, लेकिन नियत का खेल है। वादे बहुत लोग करते हैं, पूरे करने की बात है। मेरी तो शुरुआत है, मैंने वोट नहीं मांगा अब तक, लेकिन आप जिम्मेदार है तमाम लोग जो मुझे जानते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगर कहीं कोई अत्याचार होता है किसी मजलूम पे, आपको भीम आर्मी के पास सुनाई देती है नहीं देती है? हाथ उठा के बताओ, क्या भीम आर्मी के लोग जवाब देते हैं नहीं देते हैं? मगर मैं देखता हूं कि जब हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चलती है, मुकदमे लिखे जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, तो कोई नेता साथ नहीं खड़ा होता। मैंने 100 तरह के अपमान सहे अपनों से, 100 तरह की आरोप सहे, लेकिन मैंने तय किया कि अपने महापुरुषों के सपने को पूरा किए बगैर मैं जी मरूंगा नहीं। तो मेरी जान, मेरे सपने तो आप लोगों तक सीमित हैं, क्योंकि इस लड़ाई जो है आपकी है, और इस आपकी लड़ाई को मैंने यहां, क्योंकि जब मैंने दिल्ली में देखा, बहुत गौर से सुनना, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर जो है वो बिहार से जाते हैं वहां, और जब कोरोना का समय स्टार्ट हुआ ना, तकलीफ में, चप्पल नहीं पैरों पे, पेट में रोटी नहीं, बच्चे के लिए पानी नहीं, कुछ नहीं,
अगर है तो अपमान, तिरस्कार, लाठी। मैंने देखा कि ये मेरा भाई जो है ना लड़ रहा, उनके लिए रोटी की प्रबंध कर रहा। मैंने बाढ़ में देखा जहां कोई नहीं जा रहा था, ये जा रहा था। तो मैंने पूंजीपतियों से समझौता नहीं किया, मैंने उससे समझौता किया जिसका दर्द मेरे जैसा, बिल्कुल, जो बिहार में बदलाव चाहता है। और आप, मैं आपसे चाहता हूं कि आप बिहार में मेरे भाई को मौका दे देंगे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप मौका देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो शपथ पत्र इन्होंने दिया वो पूरा होगा, क्योंकि हमें बिहार को देश पूरी दुनिया में चमकाना है। समय बहुत कम है, आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। मेरे बाद जो है आगे की कड़ी को हमारे बिहार के जननायक भाई पप्पू जी आगे बढ़ाएंगे, आप इनको जरूर सुने। मैं सम्मानित हमारे ईश्वर तुल, देव तुल, बुजुर्ग, सभी गार्जियन, क्रांतिवीर, कर्मवीर, छात्र, युवा साथियों, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, पत्रकार बंधु, आदरणीय हमारे नेता और उम्मीद चंद्रशेखर आजाद जी, और दोनों हमारे जानदार और शानदार प्रत्याशी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि महोदय, मुखिया जी, प्रमुख समिति जी, युवा शक्ति अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, आम सभी साथियों, मैं दो तीन बात कहना चाहूँगा। हर घटना में अरवल, आज से नहीं, मैं 84-86 से अरवल आ रहा हूँ। जब भी कोई नरसंहार हुआ सबसे पहले पप्पू यादव अरवल आ, कोई गाँव के नाम आप उठा लेंगे, कोई आपको जो लगे, 90 में पहली बार MLA बने, 90 के बाद जितने जुल्म हुए अरवल में, चाहे बच्चा डूबा हो, चाहे कहीं मार दिया गया हो, चाहे बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, चाहे कहीं चार आदमी को मार दिए गए हो, कभी आज तक जिनको आप वोट देते रहे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव, जो गरीब हो, जो कमजोर हो, हम आप, जब पूरा देश डर रहा था, 800 सांसद घर में थे, जब प्रधानमंत्री घर में थे, मुख्यमंत्री घर में थे, तो आपसे मैं इतना कहूँगा, अकेला इंसान पप्पू यादव इस देश में 70 लाख लोगों से अकेला मिल रहा था। जब सबको पॉजिटिव का डर था, सर बैठिए प्लीज, जब सबको पॉजिटिव डर था, जब सब को लग रहा था मैं मर जाऊंगा, बाप बेटे से डर रहा था, और उस वक्त पप्पू यादव क्या कर रहा था, एक एक घर में जा करके राशन पहुंचा रहा था, एक एक हाथ में हजारों हजार रुपया। कोई ऐसा आदमी हिंदुस्तान का, कोई मजदूर आपको कह सकता है जिसके घर में इस कोरोना वायरस में पप्पू यादव के पैसे मदद ना पहुंचे, जो बाहर में मार खा रहे हो, 16 करोड़ रुपया।